पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी है गंगा एक्सप्रेसवे की। यूपी सरकार का दावा है कि यह प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसे बनाने में 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। पीएम मोदी 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में दी। यहाँ हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो इसे खास बनाती हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव को प्रयागराज के जुदापुर गांव से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। यूपी सरकार ने दावा किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसके अलावा शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों को उतारने में मदद के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। कृषि पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी के साथ साथ एक औद्योगिक गलियारा भी बनाया जाएगा, जिसे एक्सप्रेसवे के साथ बनाने का भी प्रस्ताव है। पीएमओ ने कहा कि यह औद्योगिक विकास, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। साथ ही यह क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। किसानों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इसके माध्यम से किसान अपनी उपज की कम बर्बादी के साथ साथ बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई आय तब अन्य क्षेत्र और व्यवसायों में फैल जाएगी और इस प्रकार आय गुणक प्रभाव शुरू हो जाएगा। अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा। गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। एक्सप्रेसवे बनने से एनसीआर तक भी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी और इलाके के भीतर स्टेशनों और बस डिपो से कनेक्टिविटी सुधरेगी। माना जा रहा है कि 2025 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। अडानी ग्रुप धरातल पर उतारेगा ड्रीम प्रोजेक्ट। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी। पहले चरण में मेरठ से अमरोहा तक का एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा आईआरबी कंपनी को मिला है। अमरोहा से प्रयागराज तक 3 चरणों का कार्य अडानी समूह कराएगा। शाहजहांपुर जनपद के 41 गांवों में एक्सप्रेसवे का कार्य अडानी ग्रुप कराएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।